अभी बेतिया पश्चिमी चंपारण के जनता दल यूनाइटेड जिला कार्यालय पश्चिमी चंपारण में हम उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के जाने माने चर्चित जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा जी और प्रदेश के हमारे माननीय बड़े भाई भी उपस्थित हैं यहाँ। 10 तारीख को जिला पश्चिमी चंपारण में उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन पर कुछ बताना चाहेंगे। जनता दल यूनाइटेड पश्चिम चंपारण के द्वारा आज एक विशेष बैठक की गई। इस बैठक में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सुभाष कुशवाहा जी और प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष महासचिव आदरणीय श्री राम पुकार सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इन लोगों के साथ जो आगामी 10 तारीख है उसके लिए बैठक की गई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पश्चिम चंपारण के सभी हमारे प्रखंड अध्यक्षगण, जिले के सभी पदाधिकारीगण, प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारीगण, प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षगण, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के काफिले में उनके स्वागत में हर जगह चंपारण के हर जगह उनका भव्य स्वागत होगा और उनके स्वागत में जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके स्वागत में हर प्रखंड, हर कोने कोने में, हर पंचायतों में उनके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या बताना चाहेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में? देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वाल्मीकि नगर से वो यात्रा का प्रारंभ है। संगठन को मजबूती और कोरोना वायरस में जो भी हमारे साथी हमको छोड़कर चले गए, उन साथियों के परिजनों से मिलेंगे। यह कार्यक्रम पूरे बिहार के लिए शुरुआत हो रही है वाल्मीकि नगर से 10 तारीख को, और 10 तारीख को रात्रि विश्राम भी करेंगे बेतिया में। इसी की तैयारी के लिए आज मैं बेतिया में जिलाध्यक्ष के साथ, उनके सभी साथियों के साथ बैठक हुई है और इनके द्वारा एक शानदार तैयारी का भी रूपरेखा बनाया गया है। तो निश्चित रूप से